हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एनएच रहमान परसेंट में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर की फिर से, और किस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं इस वाले चैप्टर में। तो आज ज़्यादा नहीं है, बस दो ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ द नंबर ऑफ इट इज 12। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पहले तो आप ये सुन लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ऐसे लगती है। ये 90 डिग्री का एक एंगल होता है, और 90 डिग्री के एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो हाइपोटेनियस होता है आपका उसके ज़रिए। तो इसी फॉर्मूले से जो आपका हाइपोटेनियस होता है, बेस होता है, और आपकी जो ये लाइन होती है, इनको इनका स्क्वायर जो होता है वो आपका ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। शायद आपको ये बात तो पता होगी ही। तो इसी इक्वेशन से हम ये निकालते हैं। सो कैसे निकालेंगे, जैसे ए पार्ट हमें 12 दिया हुआ है, तो 2 की मल्टीप्लाई पहले हम 12 से कर देंगे। ये हम तीन स्टेप्स में करते हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकाल के -1 करेंगे, फिर स्क्वायर निकाल के +1 करेंगे। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई 12 से करूँगा तो वो 24 आएगा। 12 का स्क्वायर -1 करूँगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। -1 करूँगा 143 आ जाएगा, और 144 + 1 लीजिए, मैंने जल्दी लिख दिया, तो +1 करूँगा 145 आ जाएगा। इसके बाद ये ट्रिपलेट ऐसे बनी, पहली 24, 143, 145। ये इसकी पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गई है। अब बी पार्ट है 10। तो 10 में पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 की, फिर 10 का स्क्वायर निकालूँगा, -1 करूँगा, फिर 10 का स्क्वायर करूँगा, +1 करूँगा। तो निकालते हैं, 2 10s are 20 होता है, 10 का स्क्वायर 100, -1 ये हो गया 99, 100 +1 101। तो अब ये 20, 99, 101 लिख देता हूँ। सी पार्ट देखिए, यहाँ पे 20 है, 2 multiply by 20, फिर 20 का स्क्वायर निकालना है, -1 करेंगे, फिर 20 का स्क्वायर निकालना है, +1 करेंगे। तो 2 × 20 = 40 होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400 -1 यूके आ गया 399, और 20 का स्क्वायर 400 +1 यूके आ गया 401। पहला है 40, दूसरा है 399, तीसरा है 401। पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर है उनकी वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे 441 है, 621 है, और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 1025। पहले ए पार्ट करता हूँ, 441। याद रखना, आपको हमेशा बताया है जिसके लास्ट में 2, 3, 7, और 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। 441 आया है, पहले मैं इसको 3 से डिवाइड करके देखता हूँ। 3 1s are 3, और 3 4s are 12,
इसके बाद 3 7 21, फिर दोबारा 3 से करता हूँ, 3 4 12, और ये शायद अब भी कट जाएगा, 27 आ रहा है, 3 9 ज़ा। अब 7 से काटता हूँ, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो आप देख रहे हो 4 4 1 का जो अंडर रूट आया है वो क्या है, वो है 3 3 7 7। आपको पता होगा अंडर रूट, हमेशा से आपको पिछली बारी भी बताया था कि अंडर रूट एक जेल है, दो भाई एक जैसे अंदर होते हैं तो एक बाहर आ जाता है, और 3 7 21 होता है, और प्लस माइनस मत भूलना क्योंकि पता नहीं है ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया है या प्लस से। इसके बाद आता है 628, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो लास्ट में 2 है तो 2 8 है तो 2 से चलाऊंगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर दोबारा 4 आ रहा है तो 2 से ही चलाऊंगा, इवन नंबर है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और 2 7 ज़ा 14। अब शायद मुझे 157 किससे कट सकता है, 3 से तो नहीं कट सकता और 5 से भी नहीं कट सकता, तो 157 तो किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो 157 से ही कटेगा। इसके बाद हम अंडर रूट में रखते हैं 628 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इलेवन 157। 2 का तो पेयर था इसीलिए 2 तो आ गया, 2 तो भाई था, लेकिन 157 नहीं था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जरूर जैसे कि अब यहाँ पे आप लास्ट में 8 देख रहे हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, और ऐसे में ये अंडर रूट में 157 रह गया, तो इसीलिए भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 025, ये देखते हैं करके, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूँ मैं 1025, 5 क्योंकि लास्ट में 5 से काटता हूँ, 5 2 ज़ा 10, 0 एंड 5 5 ज़ा 25। अगर ये समझ में ना आए कि 205 कैसे आया तो मैं एक बार डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको, 2 ज़ा 10 लेस किया 2 आया, ऐसे में जब 2 5 से छोटा है तो यहाँ से मैं कोई नंबर नहीं चला सकता, तो मैं ऐसे में 0 चलाता हूँ और ये दोबारा ऐसे जाता है ऐसे और 5 आ जाता है, और 5 5 ज़ा 25 चला सकता हूँ मैं, तो ये 205 यहाँ से आया, फिर इसके बाद 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, और 41 भी किसी के टेबल में नहीं आता, ये भी एक अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 41 1 ज़ा 41। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि 2 3 7 8 जिसके लास्ट में आए वही परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं उसमें पेयर्स नहीं मिल रहे, जैसे 5 5 इनका तो पेयर मिल गया लेकिन 41 का कोई पेयर नहीं है, तो 5 5 का तो पेयर है लेकिन 41 का नहीं है, प्लस माइनस ज़रूर लगाएं बस आप, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके आपके स्क्वायर रूट के चैप्टर में, यहाँ तक का आप नोट करें, आज के लिए इतना ही, एक वीडियो और बनाएंगे हम लोग, उसमें फिर से आपको स्क्वायर रूट करना सिखाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसके बाद फिर से, और वो स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का पार्ट 2 होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।